हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। दिस इज रोहित रोशन फ्रॉम टॉप व्यू, और आज हम आपको बताने वाले हैं कि फिन निफ्टी में ट्रेड कैसे करते हैं। तो बेसिकली हम लोग फिन निफ्टी को पहले जान लेते हैं और इसका एडवांटेज क्या है वो भी बता देते हैं। फिन निफ्टी बैंक निफ्टी और निफ्टी के जैसा ही है, एक इंडेक्स है जिसमें हम लोग ऑप्शन पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। फिन निफ्टी का जो एक्सपायरी है ना, एक्सपायरी इसका ट्यूजडे को होता है और हमारे जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का थर्सडे को होता है। तो इसका एडवांटेज यह है ना कि हम लोग एक वीक में दो एक्सपायरी मिल जा रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी का अलग से और फिन निफ्टी का अलग से। तो इसका अगर इसके बारे में हम लोग बात किए करें फिन निफ्टी के बारे में, तो फिन निफ्टी में होता क्या है कि इसका जो वेटेज है, मतलब कोई भी इंडेक्स का या स्टॉक का जो वेटेज जो काम करता है, सारा उसका फंडामेंटल जो होता है वो कहीं ना कहीं वेटेज पे ही डिपेंड करता है। जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैक्सिमम जो वेटेज होता है वो HDFC बैंक और ICICI बैंक का है। तो उसी तरीके से सिमिलरली, मतलब अगर देखा जाए तो फिन निफ्टी में भी वैसे ही सारे कॉम्पोनेंट्स हैं, वैसे ही वेटेज हैं। जिसमें से अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो हमारा जो पहले तो हमारा जो ये फिन निफ्टी सर्विसेज जो है उसमें बैंक और इंश्योरेंस दोनों आ जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, बैंक और इंश्योरेंस में इंश्योरेंस क्या है कि वो इंश्योरेंस में फाइनेंस वगैरह आ जाता है, BFC और एलाइड जो और भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट है वो सारे चीज़ आ जाते हैं फाइनेंस में, और बैंक में सिर्फ बैंक ही रहते हैं, ठीक ना। तो ये दो चीज़ें मिल करके फिन निफ्टी को सारा मतलब चलाती है और इसका सारा कुछ होता है। तो हम बता दें कि इसमें जो सारा अगर देखेंगे कि इसमें कितना कितना परसेंटेज वेटेज है बाकी बैंकों का और हमारे जो बैंक HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, तो इसका मैं सारे कंपोनेंट्स को पहले मैं बता दूं कि इसका सारे कंपोनेंट्स कौन कौन है। तो HDFC बैंक है, ICICI बैंक लिमिटेड है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फिंजर, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये 10 इसका मतलब वेटेज है, 10 कंपोनेंट्स है जो कि फिन निफ्टी को चलाती है, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा जो इसका वेटेज है ना, अगर देखा जाए तो लगभग 56% जो वेटेज है ना वो ICICI बैंक, HDFC बैंक और HDFC फाइनेंस कॉरपोरेशन का ही है। यही तीन जो है जो कि सबसे ज़्यादा इसका वेटेज को मैनेज करता है। और सारा अगर इसका मूवमेंट देखना हो, अगर इसके मोमेंटम को पकड़ना हो, तो आपको ये सारे इंडेक्स का आपको देखते रहना पड़ेगा, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, उसके बाद आपका बजाज फिंजर, स्टेट बैंक है ना, एक्सिस बैंक, ये मैं जो बता रहा हूँ ये सारे लोग को अगर आप कमांड करते जाएं, ठीक ना, तो आप इसके मूवमेंट को पकड़ सकते हैं। और बेसिकली कल है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के दिन आप कैसे जजमेंट करें कि हम एक्सपायरी में ट्रेड करें। काफ़ी लोगों को एक्सपायरी में बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है क्या है एक्सपायरी के दिन हमें एक अच्छा मूव मिल सके, एक अच्छा प्रॉफिट हो। हाँ, थर्सडे को दिन हम लोग जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में करते हैं एक्सपायरी में, वो अगर देखा जाए तो हम लोग ट्यूजडे को इसमें हम लोग करते हैं फिन निफ्टी में। और ट्यूजडे वो क्या है कि हो सकता है उस दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव ना मिले, लेकिन उस दिन फिन निफ्टी में एक ज़बरदस्त मूव मिल सकता है, ठीक ना। तो उसका जजमेंट हम लोग कैसे करेंगे, उसका हम लोग मॉनिटर कैसे करेंगे, तो मॉनिटर करने के लिए ना अगर देखा जाए, अगर डाटा बेसिस पे अगर देखा जाए तो HDFC बैंक का जो वेटेज है ना वो 21.48, मतलब 21.48% इसका वेटेज है HDFC बैंक लिमिटेड का। और अगर ICICI बैंक की बात करी जाए तो इसमें 20.65% वेटेज है। यही दोनों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 42% इसका वेटेज है। और HDFC डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन को भी अगर इसमें मिला दिया जाए, जैसे कि HDFC बैंक एक अलग है, HDFC एक फाइनेंस वाला एक अलग है, ठीक ना, तो ये तीन को मिला दिया जाए ना तो लगभग यहाँ जो इसका वेटेज जो हो जाता है ना 56%, मतलब 50% से भी ज़्यादा वेटेज जो फिन सर्विस का है वो यही तीनों से है, ठीक ना, ये फाइनेंस से और दो बैंक वाला कंपोनेंट से। तो ये तीन को अगर कमांड कर लिए, अगर मॉनिटर कर लिए, तो आप एक्सपायरी के दिन भी एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं।
और एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। उसके अलावा बजाज फाइनेंस और बजाज फिनजर्व अगर दोनों का चार्ट अगर देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम सिमिलरली वर्क करता है, तो दोनों में से किसी एक को आप जज करेंगे तो इसमें आप उसको इसका मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। उसी तरीके से SBI लाइफ इंश्योरेंस है और HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, तो ये सारे को आप अपने जजमेंट करेंगे तो फिन सर्विस लिमिटेड जो है उसमें आप एक्सपायरी के दिन एक अच्छा मूव देख सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये फिन सर्विस का है और इसको हम बेहतरीन तरीके से आपको चार्ट में भी बताएंगे डिटेल्स में, अगर इसके बारे में और डिटेल्स जानकारी चाहिए कि फिन सर्विस है क्या। हाँ, इसके एक चीज़ और मैं बता दूँ कि हमारे जो लॉट साइज है ना, जैसे निफ्टी में हमारा बैंक निफ्टी में 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, उसी तरीके से फिन सर्विस में हमारा फिन निफ्टी में 40 क्वांटिटी होता है एक लॉट, एक लॉट का 40 क्वांटिटी हमारे फिन निफ्टी में। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा फिन निफ्टी 40 का है, जिस कारण से मैक्सिमम लोग अभी इसमें आ रहे हैं। पहले इसमें इतनी ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता था, इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती थी, जिस कारण से मतलब लोग इसमें ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब इस पे ध्यान देना शुरू कर दिए हैं क्योंकि इसको कन्वर्ट किया गया है। पहले फिन सर्विस जो है इस तरीके से हमारा वोलेटाइल नहीं होता था, इसमें इस तरीके का मूवमेंट नहीं मिलता था, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स बताऊँगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर ये वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला हो फिन निफ्टी के बारे में तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा द ट्रेडर्स हो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।